नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वेश इलेक्ट्रिशियन में। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ जी दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं था। दोस्तों अब मैं बिल्कुल सही हूँ, आप लोगों के बीच में एक से एक वीडियो अब लेकर मैं आ रहा हूँ। तो आइए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे पास 4 कैपेसिटर है। इस वीडियो में मैं कैपेसिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैपेसिटर को कैसे चेक करें, सही है या ख़राब है। तो दोस्तों मैं कैपेसिटर को चेक करने का 2 तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को दूसरा तरीका इसका बताऊंगा चेक करने का। तो आइए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कैपेसिटर से। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 4 कैपेसिटर हैं, चारों अलग अलग कंपनी के हैं दोस्तों, और अलग अलग MUF के हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम आप लोग को एक कैपेसिटर को दिखाते हैं। मेरे पास सिग्मा का कैपेसिटर है दोस्तों, 4 MFD का है दोस्तों, जो कि प्लस माइनस 5% का है। और दूसरा दिखाते हैं दोस्तों, यह दूसरा वाला मेरा सुपर गोल्ड का है जो कि है 2.50 UF का, 440 वोल्ट का है दोस्तों। और ये तीसरा वाला है दोस्तों, यह है, ये इसका मिट गया है दोस्तों, ये पुराना हो चुका है कुछ, इक्लैप का है दोस्तों। तो यह 3.15 UF का है दोस्तों। और यह एक और है जो दोस्तों, इसको मैं ये टाइप कैन का है दोस्तों, 2.50 MFD का है दोस्तों। मतलब कैपेसिटर सब एक ही होते हैं दोस्तों, उसका UMF कुछ चेंज होता है दोस्तों, और जिनका चेंज अधिक रहता है वो कुछ फास्ट चलते हैं, फास्ट फैन को चलाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इसे चेक करते हैं इसमें कौन सही है और कौन नहीं सही है। तो इसको चेक करने का पहला तरीका आप लोग के बीच में है। अगर आप लोग के पास एक कैपेसिटर हो तो उसे आप लोग क्या करें, आप लोग जो सर्किट होता है, जो लाइन का बोर्ड होता है आपके घरों में, बिजली का बोर्ड, तो उसको ऑन कर यहाँ से और यहाँ से दोस्तों इसका दोनों जो होता है वायर का टर्मिनल, उसको दोनों प्लग में एक एक कर ऐसे कर खोज देते हैं दोस्तों। तो आइए इसे हम खोज कर इसमें दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों। और खोजने के बाद या कुछ चार्जिंग हो उठा लेता है दोस्तों, और चार्जिंग के बाद अगर आप लोग इसे निकाल कर इसे छुए ना दोस्तों, ना अगर छुएंगे तो आप लोग को करंट भी लग सकता है, इसको ऐसे पकड़े रहें। तो आइए दोस्तों इसे हम स्टार्ट करा कर देखते हैं। अगर ये स्टार्टिंग तेज देता है तो आपका कैपेसिटर सही होगा, या हल्का सा देता है तो आपका कैपेसिटर कुछ ख़राब हो चुका होगा, मतलब पूरा नहीं, हल्का सा ख़राब हो चुका होगा, कुछ काम करेगा, पंखे को स्लो चलाएगा। तो ये देखिए आप लोग को स्टार्ट करा कर दिखाते, ये देखिए आवाज़ आई स्टार्ट की दोस्तों, ये देखिए पहली बारी आई। तो दोस्तों इसे हम स्टार्ट कराएँ और स्टार्ट कराकर आप लोग को फिर से दिखा देते हैं, यह कैपेसिटर मेरा बिल्कुल सही है। ये देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ चिंगारियां भी, ये देखिए आवाज़ कर रहा है, पटका आवाज़ करता है दोस्तों, तेज़ी से करता है। अगर आप लोग को नहीं सुनाई देता हो तो दूसरा चेक करने का बताऊंगा, उसमें आप लोग को ये बिल्कुल सही नज़र आएगा। तो इससे हम चेक किए, और ये देखिए अब दूसरे कैपेसिटर को मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि यह सॉरी दोस्तों, ये देखिए यह बिल्कुल ख़राब है, यह ख़राब पड़ा है। तो इसे हम चेक करके दिखाते हैं उसी तरह से, कि आप लोग भी इसे उसी तरह से चेक करें, इसमें डालकर कुछ देर तक छोड़ दीजिए। इसे हम आप लोग को स्टार्ट करा कर दिखाते हैं, यह बिल्कुल देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, ना तो आवाज़ दे रहा है, क्योंकि यह कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब है। अगर जो कुछ बोर्ड में लगाने से और स्टार्ट कराने से आवाज़ दे दोस्तों, पटका और कुछ चिंगारियाँ निकले इसमें, तो वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आप लोग को चेक कर दिखाया। आइए दोस्तों हम अब ये तीसरे वाले को चेक करते हैं, अब तीसरे वाले को चेक कर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह भी सही है, बिल्कुल सही कैपेसिटर है। और ये चौथे वाले को भी हम चेक कर आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, चौथे वाले, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि चिंगारियां इसमें से निकल रही हैं दोस्तों। ये चारों कैपेसिटर में 3 कैपेसिटर आपका सही है, और एक कैपेसिटर जो है सुपर गोल्ड का बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो आइए दोस्तों हम आप लोग को दूसरा तरीका कैपेसिटर को चेक करने का बताते हैं।
तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका है आप लोग को एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब से कैपेसिटर को हम कैसे चेक करें, तो ये मेरे पास एलईडी बल्ब है दोस्तों, जो कि एसी डीसी वाला एलईडी बल्ब आप लेना, जो कि जलता है, जो कि एसी ऐसे जलता है जो बल्ब, वो लेना दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप लोग को हम चेक करके दिखाते हैं। ख़राब कैपेसिटर को एक साइड रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। तो अब उसको चेक करने के लिए टर्मिनल को दोनों को एसी डीसी बल्ब पर ऐसे लगाना होगा आप लोग को, और यहाँ से भी ऐसे। ये देखिए दोस्तों, कुछ देर तक जलेगा आप लोग का बल्ब, फिर बुत जाएगा, उसका मतलब कि आपका यह कैपेसिटर बिल्कुल सही है। और आप लोग को ये दोनों भी सही है, अब इनको भी चेक कर आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है सही है, बिल्कुल सही है, सही है। पर दोस्तों ये देखिए, ये भी सही है कैपेसिटर, ये भी सही है कैपेसिटर दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम आप लोग को तीसरा भी चेक करके दिखा देते हैं एलईडी बल्ब से। ये देखिए दोस्तों, ये भी सही है, कुछ देर तक एलईडी बल्ब जलेगा फिर अपने आप बंद हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल ख़राब कैपेसिटर है, और इससे आप लोग चेक करेंगे तो एलईडी बल्ब बिल्कुल जलेगा नहीं, तो उसका मतलब आप लोग को एक कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब है। देखिए दोस्तों, ए टर्मिनल पर हम लगा रहे हैं और एक यहाँ लगाए हैं अपने अंगूठे के नीचे, और यह बिल्कुल ख़राब कैपेसिटर है एसी कैपेसिटर। अगर यह सही रहता तो एसी एलईडी बल्ब को जलाता दोस्तों। आप लोग इसी तरह अपना कैपेसिटर दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो लेकर।